चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ समीना। दोस्तों, आपने तो कई तरह के पुलाव खाए होंगे, लेकिन कभी कोकोनट मिल्क मटर पुलाव खाया है? नहीं ना? तो आज हम वही बनाने जा रहे हैं। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलिए देखते हैं। कांदा, कैश्यू, 5 ग्रीन चिली, 1 बे लीफ, 3 इलायची, 1 स्टार फ्लावर, 2 इंच दालचीनी, 5 लौंग, नमक, 1 टेबलस्पून घी, 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 स्पून ऑयल, हरा मटर, 1.5 कप बासमती राइस, मैंने इसे आधा घंटा भिगो लिया है, 2 कप कोकोनट मिल्क। हमारा पैन गरम हो चुका है, अब हम इसमें 1 स्पून ऑयल डाल लेंगे और घी भी डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें काजू डाल लेंगे। काजू हमें गोल्डन ब्राउन करना है, मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करके निकाल लीजिए। काजू गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे लौंग, दालचीनी, स्टार फ्लावर, बे लीफ, कांदा डाल लेंगे। हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, यहीं पर हम इलायची भी डाल लेंगे। कांदा थोड़ा लाल हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ग्रीन पीस ऐड कर लेंगे। ग्रीन पीस थोड़ा सा पतला है, इसीलिए अब हम 2 मिनट के लिए लिड क्लोज कर देंगे। मटर पक चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे नारियल का दूध। नारियल का दूध अभी बॉईल हो रहा है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे बासमती राइस, जिसे मैंने आधा घंटा भिगो लिया था। अगर आप चाहें इसमें कैरेट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें जो हमने फ्राई कर लिया था वो काजू ऐड कर लेंगे। हम दम के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही दम हो जाएगा, हम हरा धनिया डाल के इसे गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। कोकोनट मिल्क मटर पुलाव खाने के लिए तैयार है। दोस्तों, कोकोनट मिल्क मटर पुलाव बहुत टेस्टी बना है। आप इस रेसिपी को अपने घर ज़रूर ट्राई कीजिए। कैसे बना मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए बेल बटन क्लिक करना ना भूलें।